हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा सिंगल कलर का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, बेबीज के लिए और जेंट्स के लिए। ये देखिए, ये पैटर्न बनाने में बहुत ही आसान है। आपने इस पैटर्न को 10 नंबर की सिलाई में बना लेना है। और यहाँ पर देखिए, मैंने ये 32 फंदों पर ये पैटर्न बनाया है। और देखिए, जो हमारी मेन केबल जाती है पैटर्न की, ये हमारे यहाँ पे ये 16 फंदे हैं, यानी कि ये केबल हमारी 16 फंदों पे बनती है। और देखिए, जो ये साइड से मैंने 4 इस साइड से और 4 इस साइड से जो ये फंदे डाले हैं, ये एक्स्ट्रा फंदे हैं। और अभी हम जो पैटर्न बनाना सीखेंगे वो देखिए, जो ये सीधा फंदा है यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे ये 24 फंदे हैं। ये देखिए, यानी कि 24 फंदे हैं। अब देखिए, हमने इस पैटर्न को बनाने के लिए 20 के मल्टीपल में फंदे डालने, यानी कि 20 के जोड़े के हिसाब से फंदे डालेंगे। तो देखिए, 20 के जोड़े के हिसाब से हमने अपने पैटर्न में, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से फंदे डालने हैं। और फिर उसके बाद देखिए कैसे हमने अपने फंदे एडजस्ट कर लेने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा ये 4 फंदे आ जाएंगे जो स्पेस के लिए हैं, और उसके बाद देखिए ये 16 फंदे आ जाएंगे, फिर हमारे ये 4 फंदे आएंगे, और फिर उसके बाद देखिए ये वाली केबल यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से हम अपने पैटर्न में फंदे एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब देखिए, अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये मैंने पहले से ही फंदे डाले हैं, और ये फंदे हमारे 24 फंदे हैं, यानी कि 24 फंदे डाले हैं मैंने यहाँ पर। अब देखिए, ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, ये पहला फंदा उतार लेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, और देखिए दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये दो फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, फिर देखिए धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये एक फंदा सीधा बुन दिया। ये देखिए, यहाँ पे जो ये पैटर्न हम यहाँ पे ये 24 फंदों पे बनाने जा रहे हैं, वो हमारा यहाँ से, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ सीधे फंदे से। अब देखिए, जो ये साइड में हमारे ये 4 फंदे हैं, इनको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मैंने 4 रखे हैं, तो आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए, ये 4 फंदे आ गए हमारे, फिर देखिए धागा अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो और तीन, ये 3 फंदे उल्टे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिए, ये हमारे 20 फंदे राइट नीडल में आ गए, और 20 के मल्टीपल में हमारा ये पैटर्न बनता है, यानी कि 20 के जोड़े के हिसाब से हमने ये पैटर्न बनाना है। अब देखिए, फिर धागा पीछे करेंगे, अब देखिए स्पेस के लिए फिर फंदे बनेंगे। तो एक सीधा, फिर धागा अपनी साइड, दो उल्टे, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए बैक साइड से सेकेंड रो, ये पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखिए बैक साइड से, जो फ्रंट साइड से हमने ये दो फंदे उल्टे बुने हैं, ये बैक साइड से यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से भी उल्टे आएंगे, फिर देखिए एक फंदा जो फ्रंट साइड से सीधा है वो बैक साइड से उल्टा आएगा। फिर देखिए यहाँ पे धागा पीछे करेंगे, अब देखिए जो 3 फंदे हमारे
उल्टे हैं फ्रंट साइड से, वो बैक साइड से सीधे आएंगे। ये तीन फंदे सीधे बुन लेने हैं, फिर धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा बुना। फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे फ्रंट साइड से उल्टे आते हैं, तो ये बैक साइड से भी उल्टे आएंगे। फिर देखिए जो फ्रंट साइड से सीधा फंदा है वो बैक साइड से उल्टा आएगा। फिर देखिए जो फ्रंट साइड से दो फंदे उल्टे आए हैं वो देखिए बैक साइड से भी वो दो फंदे उल्टे आएंगे। फिर देखिए फ्रंट साइड से जो फंदा सीधा वो बैक साइड से उल्टा आएगा। फिर जो दो फंदे हमारे फ्रंट साइड से उल्टे आ रखे हैं वो बैक साइड से भी उल्टे आएंगे। फिर देखिए फ्रंट से जो सीधा है वो बैक साइड से उल्टा आएगा। फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से जो तीन फंदे उल्टे उनको देखिए बैक साइड से सीधे आएंगे। ये बैक साइड से तीन फंदे सीधे आएंगे। हर बार बैक साइड से हमने यही प्रोसेस रिपीट करना है। अब देखिए लास्ट के चार फंदे बैक साइड से उल्टे आ जाएंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो में देखिए पहला फंदा उतार लेना है, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर देखिए तीन फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी साइड दो फंदे उल्टे। ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। अब फोर्थ रो को भी हमने सेकंड रो की तरह बुन के कंप्लीट करना है। तो देखिए एक फंदा उतारा, अब देखिए यहाँ पे तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे। ये तीन फंदे हमने उल्टे बुन दिए, एक फंदा उतारा और तीन फंदे बुन के उतारे। तो देखिए राइट नीडल में चार फंदे आ गए। फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे बैक साइड से। ये तीन फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और दस फंदे यहाँ पे देखिए दस फंदे हम उल्टे बुन लेंगे बैक साइड से। ये दस फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड चार फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब फिफ्थ रो को भी हमने फर्स्ट रो की तरह बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए बैक साइड से सिक्स रो। ये पहला फंदा उतार लेंगे और तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। अब जो बैक साइड से हमारी सिक्स्थ रो जा रही है इसको भी हमने सेकंड रो की तरह बुन के कंप्लीट करना है। अब देखिए तीन फंदे सीधे आ गए।
फिर धागा अपनी साइड, 10 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए फ्रंट साइड से 7 थ्रो। अब 7 थ्रो में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमने अब तीसरी सिलाई की सहायता से यहाँ पे देखिए ये 6 फंदे उतार लेने, ये ऐसे करके। ये 6 फंदे हमने उतार लेने हैं और देखिए ये धागा पीछे है यहाँ पे। अब देखिए ये वाले फंदे हमने, ये 4 फंदे बुन लेने हैं यहाँ पे, पलटा के इनको आगे बुनेंगे। तो देखिए जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनेंगे। अब देखिए एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए धागा अपनी साइड को करेंगे और देखिए जो इस सिलाई में देखिए हमारे 6 फंदे हैं, इनमें से पहले 2 फंदे उतार लेंगे। ये 2 फंदे हमने लेफ्ट नीडल में उतार दिए। अब देखिए इन 2 फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन दिए। फिर देखिए अब इन 4 फंदों को यहाँ लेफ्ट नीडल में उतारेंगे। ऐसे फिर धागा देखिए यहाँ पे पीछे करेंगे। अब देखिए जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनेंगे। अब सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा हमने सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधे बुनेंगे, एक फंदा हमने ये सीधा बुन दिया, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। तो ये फ्रंट साइड से हमारी 7 थ्रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से 8 थ्रो। अब 8 थ्रो को हमने सेकंड रो की तरह ही बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, अब 10 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए 10 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये बैक साइड से हमारी 8 थ्रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से 9 थ्रो। अब देखिए जो हमारी 9 थ्रो आएगी, जैसे हमने शुरू की 6 रो बुनी है 9th रो से, वैसे ही हमारा रिपीट होने लग जाएगा पैटर्न। अब 9th रो से हमने रिपीट करना है पैटर्न और 10 रोज बना लेनी, जैसे हमने शुरू में 6 रोज बनाई, अब हम यहाँ 9th रो से रिपीट करते जाएंगे और 10 रोज बनाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे ये हमारी 10 रोज बुन के कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि 10 सलाइयाँ बुन के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब देखिए ये पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। आप देखिए यहाँ पे तीसरी सिलाई की सहायता से 6 फंदे उठा लेंगे, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फंदे हमने तीसरी सिलाई में उठा दिए। अब देखिए ये धागा पीछे रहेगा, और देखिए जो ये फंदे हमारे लेफ्ट निडिल में, इनको 4 फंदों को पहले बुन लेंगे। जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनना है, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये दो फंदे उल्टे बुन दिए, फिर धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब देखिए ये जो तीसरी सिलाई में हमारे, ये देखिए आगे से ये दो फंदे हैं, इनको हम लेफ्ट नीडिल में दो फंदे उतार लेंगे, ये दो फंदे उतारे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे बुन लेंगे। ये दो फंदे हमने फ्रंट साइड से देखिए उल्टे बुनने हैं, ये देखिए एक और ये दूसरा फंदा भी उल्टा बुनना है। फिर देखिए धागा पीछे करेंगे, और जो देखिए ये तीसरी सिलाई में हमारे 4 फंदे हैं, इनको हम एक एक करके लेफ्ट नीडिल में उतार लेंगे। अब देखिए जो फंदे जैसे हैं उनको वैसे ही बुनेंगे, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर देखिए धागा अपनी साइड, तीन फंदे उल्टे बुन लेने हैं, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा। तो ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन चुका है। अब इसे हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। अब देखिए जो बैक साइड से ये रो आएगी हमारी, इसको हमने अपनी सेकंड रो की तरह ही कंप्लीट करते जाना है। यही प्रोसेस हमारा पूरा बैक साइड से आएगा सेकंड रो की तरह, और देखिए रिपीट करने पे हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बनता जाएगा। ये केबिल आती जाएगी हमारी पैटर्न की, और देखिए बन के बहुत ही सुंदर लगता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।